हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में एक बार आपका स्वागत। और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ मांग के नियम। मांग के नियम क्या है, हम आपको बहुत कम समय में पार्ट टू पार्ट करके समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं मांग के नियम। मांग के नियम अगर देखें तो तीन प्रकार का है और मैं आपको एक एक करके लिख करके एक एक समझाता हूँ। पहला है कीमत मांग। कीमत मांग जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिमांड। और दूसरा है इनकम, आय मांग। आय मांग यानी हम कह सकते हैं इसको इनकम डिमांड। और तीसरा है तिरछी अथवा आड़ी मांग जिसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। तो इस तरह से मित्रों हम देख सकते हैं मांग के तीन प्रकार हैं। पहला है आपका कीमत मांग, दूसरा है आय मांग और तीसरा है आपका तिरछी अथवा आड़ी मांग जिसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड, यानी प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। अगर हम देखेंगे जब एक एक करके अलग अलग हम देखेंगे, क्योंकि कीमत मांग का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इनकम डिमांड के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं और फिर क्रॉस डिमांड के अंतर्गत भी तीन प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं और सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्राइस डिमांड क्या है, कीमत डिमांड क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम मिटाते हैं धीरे धीरे, दोनों को हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कीमत मांग, जैसा कि आप कीमत से स्पष्ट हो रहे होंगे कि कीमत से संबंधित यहाँ पे वस्तुओं की मांग की जा रही है। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि दो चीजें यहाँ पे कीमत है और यहाँ पे मांग चीज है, यानी प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन समझने का प्रयास करते हैं। यानी कीमत और मांग के बीच का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो नेगेटिव है। कीमत और मांग के बीच का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी हम कह सकते हैं ऋणात्मक होता है। कैसे ऋणात्मक होता है, आप देख सकते हैं जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो मांग कम होता है और जब वस्तु की कीमतें कम होती हैं तो मांग ज्यादा होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कीमत और मांग के बीच का जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। अब इसको हम और इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि कीमत मांग का क्या तात्पर्य है, कैसे है। यानी हम कह सकते हैं अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग में कमी एवं कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि को ही हम कीमत मांग कहते हैं। यानी कहेंगे अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कमी एवं कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में वृद्धि को ही हम कहते हैं कीमत मांग, यानी प्राइस डिमांड। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हम इसको P बराबर हम प्राइस बना दिए, यानी अगर ये कीमत बढ़ती है तो D बराबर हमने डिमांड बना दिया, तो डिमांड क्या है घटेगा। अगर ये कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगा घटेगा। यही पर हम अपोजिट चलते हैं, अगर कीमत यहाँ पे गिरती है तो डिमांड क्या होता है, ये बढ़ता है। यही फार्मूला है कीमत मांग, यानी कीमत में
कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कमी एवं कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में वृद्धि को हम कहते हैं कीमत मांग, यानी कहते हैं प्राइस डिमांड। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि अन्य बातें क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अन्य बातें समान रहने पे इसका क्या मतलब होता है, अन्य बातें, अन्य बातें, ये अन्य बातें समान रहने पर हमने बात किया। अन्य बातें का मतलब यह है कि जो वस्तु, अन्य बातों का मतलब है कि व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन न हो, यानी व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन न हो तब कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कमी एवं कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में वृद्धि होती है। आय के साथ रुचि, स्वभाव आदि में भी कोई उसके अंतर्गत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इस तरह से कुछ उसके बाद फैशन, यानी फैशन से संबंधित वस्तुओं का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इन स्थितियों में कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कमी और कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में वृद्धि को ही हम कीमत मांग कहते हैं, प्राइस डिमांड कहते हैं। और भी हम इसको एक आपको तालिका और एक ग्राफ से समझाने का हम प्रयास करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने एक तालिका बना दिया, ये एक छोटी सी तालिका है और यहां पे हम वस्तु की कीमत लिख दिए, वस्तु की कीमत यहां पे लिख दिए, वस्तु की मांग। यहां मैं दो कॉलम बना दे रहा हूं, इसमें लिख दे रहा हूं 10 रुपया कीमत लिख दिए, मांग है मान लीजिए 10 रुपया केजी। अगर कोई सामान है, सेब ही लिख देते हैं, 10 रुपया केजी सेब है तो हम सेब की मांग यहाँ पे 20 केजी कर लेते हैं, मांग यानी केजी में, किलो में। और जैसे ही कीमत 10 से अगर ये 20 रुपया हो जाता है और मांग घट करके 10 रुपया हो जाता है, तो हम देख सकते हैं कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कमी एवं कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में वृद्धि को ही हम कीमत मांग कहते हैं। इसे हम एक ग्राफ के भी द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए ग्राफ है, यहाँ पे हम ये वाई लिख दिए, यहाँ पे ओ लिख दिए, यहाँ पे एक्स लिख दिए, ये आपका ये डिमांड रेखा बना दिए और ये बी है और ये पी वन है, यानी ये प्राइस है यानी कीमत है, और ये है क्यू है और यहाँ पे ये क्यू है और क्यू वन है। यहाँ हम लिख सकते हैं वस्तु की मात्रा, यानी गुड्स क्वांटिटी, वस्तु की मात्रा यहाँ पे हो गया आपका प्राइस, ये डी टी है। अगर हम एक बिंदु लिखना चाहते हैं, हम ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु की कीमत ओ पी से बढ़कर के ओ पी वन हो रहा है। क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत ओ पी से बढ़कर के ओ पी वन हो रहा है, तो कीमत क्या हो रही है यहाँ पे, वृद्धि हो रही है। तो वस्तु की मांग में क्या हो रही है यहाँ पे, कमी हो रही है, वस्तु की कीमत ओ पी से ओ पी वन हुआ तो वस्तु की मांग ओ की वन से घट करके ओ की वन हो गया। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जब वस्तु की कीमत ओ पी था तो वस्तु की मांग ओ क्यू है, और जैसे ही वस्तु की कीमत ओ पी से बढ़ करके ओ पी वन हुआ वैसे ही वस्तु की मांग ओ क्यू से घट करके ओ की वन हो गया। अपोजिट में हम समझ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु की कीमत ओ पी वन से घट करके ओ पी, अगर वस्तु की कीमत घटता है तो वस्तु की मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हम कहें कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कमी एवं वस्तु के कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में वृद्धि को ही हम प्राइस डिमांड कहते हैं, कीमत मांग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, यानी अगर यहाँ पे देख सकते हैं कीमत बराबर ओपी, यहाँ पे देख सकते हैं मांग बराबर ओक्यू, कीमत बराबर ओपी, मांग बराबर ओक्यू, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे समीकरण 1 देख सकते हैं, समीकरण 2 देखिए, कीमत ओपी से बढ़कर के, कीमत ओपी से बढ़कर के ओपी वन हो गया, कीमत ओपी से बढ़कर के ओपी वन हो गया, और वस्तु की मांग देख सकते हैं आप, मांग यानी मांग ओ क्यू, ओ क्यू से घटकर
OQ1 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कीमत में वृद्धि के पहला पूर्वानुमान मात्रा में कमी और कमी के पहला पूर्वानुमान मात्रा में वृद्धि, इसी को हम कहते हैं प्राइस डिमांड। और अब मैं नेक्स्ट पार्ट में इनकम डिमांड को लेकर के आऊंगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके साथ बने रहें। धन्यवाद।